हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रूपल शुक्ला। और टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ जेनेटिक क्रॉसेस, मींस टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। ये सब क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग जानेंगे। सो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? सर मान लीजिए हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये हमने लिया टॉल और ये हमने लिया ड्वार्फ। ये है टॉल, ये है ड्वार्फ, और ये है पेरेंट्स। क्रॉस कराया इनमें हमने। अब यहां से कैपिटल टी आएगा और यहां से स्मॉल टी। ये हो गया F1 जनरेशन, मींस फर्स्ट फिलेरियल जनरेशन। अब और इस अब F1 जनरेशन में हम लोग क्रॉस करवाएंगे विद रिसेसिव पेरेंट्स। तो जो डॉर्फ होता है रिसेसिव पेरेंट, और टॉल हो गया डोमिनेंट पेरेंट। तो यह है F1 जनरेशन, इसको क्रॉस करवाएंगे विद रिसेसिव पेरेंट्स। रिसेसिव पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब स्मॉल टी से स्मॉल टी से। तो आप जो इसे कहते हैं, ये होता है टेस्ट क्रॉस। ये है टेस्ट क्रॉस। जब भी हम F1 जनरेशन को क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव पेरेंट्स से, तो उसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। और इसमें अब बनेगा जो पनेट स्क्वायर्स का बनेगा वो होगा इस टाइप का। यहां पे हम लोगों ने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। ये बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बनाया स्मॉल टी स्मॉल टी, ये बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी स्मॉल टी। 50% डोमिनेंट और 50% यहाँ पे रिसेसिव। तो इससे हम जान गए कि हमारा जो F1 जनरेशन है वो क्या है, वो जाएगा डोमिनेंट है, फिर जाएगा डोमिनेंट। इसका इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर द इंडिविजुअल इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये है टेस्ट क्रॉस और ये है इसका इंपॉर्टेंस। नाउ बैक क्रॉस, तो बैक क्रॉस में भी हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड ट्रेट लिया, मान लीजिए टॉल और ड्वार्फ का ही लिया। तो यहाँ पर कैपिटल टी टॉल, ये है ड्वार्फ और ये है पेरेंट्स। अब सो क्रॉस में आया, बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है F1 जनरेशन। अब बैक क्रॉस में क्या होता है कि इस F1 जनरेशन को हम अपने टॉल पेरेंट्स से भी क्रॉस करा सकते हैं और डॉट पेरेंट्स भी क्रॉस करा सकते हैं, इसे कहते हैं बैक क्रॉस। अगर F1 जनरेशन को हम लोगों ने क्रॉस करवाया विद, यहां पर क्रॉस करवाया विद डोमिनेंट पेरेंट, तो ये होगा डोमिनेंट बैक क्रॉस। इसे कहेंगे डोमिनेंट बैक क्रॉस, क्योंकि हमने F1 जनरेशन को क्रॉस कराया डोमिनेंट पेरेंट्स। और यहां पे जब हमने F1 जनरेशन क्रॉस कराया विद रिसेसिव पेरेंट्स, इसे कहते हैं रिसेसिव बैक क्रॉस। जो रिसेसिव बैक क्रॉस होता है, ये है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में यही होता है ना, तो इसीलिए कहते हैं कि टेस्ट क्रॉस है इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस। इसका इंपॉर्टेंस, तो जब हम लोग बैक क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे हम F1 जनरेशन को उसके पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं। तो इसमें ऑफस्प्रिंग्स की जो जेनेटिक आइडेंटिटी होती है वो पेरेंट से एकदम मैच करती है। ये इसका इंपॉर्टेंस, टू अचीव जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्लोजर टू इट्स पेरेंट्स, क्लोजर टू इट्स पेरेंट्स, इसे कहते हैं बैक क्रॉस। नाउ रेसिप्रोकल क्रॉस, नाउ रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या है, हम सेक्स को उल्टा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे P1 लिया, P1 हमने लिया मेल, क्रॉस करवाया P2 से, और P2 जो है वो है फीमेल। तो ये हो गया और ये हमारा आ गया F1 जनरेशन, ये हमारा आ गया F1 जनरेशन, कुछ भी आया हो। तो ये है नॉर्मल क्रॉस। अब इसका हम करवाएंगे बैक क्रॉस। इसका बैक क्रॉस क्या होगा कि P1 है, P1 हमने लिया,
लेकिन वो P1 हमने यहाँ पे मेल लिया, यहाँ पे हमने फीमेल लिया बस। और यहाँ पे जो P2 हमने फीमेल लिया, यहाँ पे P2 हमने मेल ले लिया। मींस यहाँ पे जो पेरेंट्स का सेक्स को हम लोगों ने कर दिया रेसिप्रोकल, मींस यहाँ पे मेल को फीमेल बना दिया, फीमेल को मेल बना दिया। और फिर यहाँ पे आया जो F1 जनरेशन, तो इसे कहते हैं ये है नॉर्मल क्रॉस और ये है रेसिप्रोकल क्रॉस क्रॉस। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड एंड डिटरमाइन द रोल ऑफ द सेक्स, द रोल ऑफ द सेक्स ऑफ द पेरेंट्स इन इनहेरिटेंस पैटर्न, इन इनहेरिटेंस पैटर्न मीन्स इनहेरिटेंस पैटर्न में या फिर हेरिडिटी में क्या रोल है पैटर्न ऑफ सेक्स का पेरेंट्स के, तो वो बताता है रेसिप्रोकल क्रॉस। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।